सीधा चलेंगे छत्तीसगढ़, जहाँ पर छेरछेरा कार्यक्रम जो है आयोजन हो रहा है और वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। धान एकत्रित होते होकर से जिसका धान एकत्रित होते जिसका पैसा रुपया एकत्रित होते होकर से फिर साल भर के कार्यक्रम की योजना बनाते। वहाँ जाना पड़ेगा मतलब नौजवान साथी मना खेल कूद के आयोजन पर सामग्री के लीला के सामग्री के नाटक के सामग्री के नाचा के सब वो दिन योजना बनाई ज्ञान मने के राम कोठी के निर्माण करते खबर आज जिन दान देथन ओकर बढ़े किसान जिन अनाज उत्पादन करते वो केवल किसान पर नो है। किसान बहुत उदार मन के होते बहुत उदार मन के होते वो सब पर वितरण करते सब लमार थे होकर उत्पादन से घर लेते थे जहाँ पशु पक्षी की हिस्सा भी रहते उन्हें जिन अभावग्रस्त व्यक्ति मन है समाज के उत्थान और विकास पर जिन योजना बनाते तेकरों मन पर है ये राम कोठी बनाते तेकर पीछे कारण ही है कि जिन जरूरतमंद है जिन अभावग्रस्त है भूल उग्र व्यवस्था होना चाहिए थे पर किसान मन आज के दिन दान देते। आज दूसरा महत्वपूर्ण भगवान शंकर पूजा तपस्या करे के बाद जब तप से ध्यान से उठते तो आज के दिन अन्नपूर्णा माता से वो भिक्षा मांग और आज एक दिन शाकंभरी जयंती भी मनाथन न केवल धान धान के बल्कि साग सब्जी फल फूल के भी दान आज किए जाते और उसी दिन से शाकंभरी जयंती मनाते। तीसरा एक छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए इतिहास जब रतनपुर के राजा कल्याण साहब 6 महीने तक के बनारस दिल्ली जाके बहुत अगर विद्या वगैरह सीख के आते और आगे के दिन फिर से रतनपुर आए तो बहुत होकर आव भगत किए गए से एकरो इतिहास छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तीन तीन महत्वपूर्ण कारण से ये त्यौहार मनाए जाते। आज बहु मांगे वर्ग के लिए हम महंत राम सुंदर दास जी से मांगे भर आए और भरपूर मिली हमारे छत्तीसगढ़ में ये जन दान के परंपरा है उत्तर पर हरे की जिन अभावग्रस्त है तेल न दूर किया जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक बहुत बड़े हमारे सामने समस्या है तो सुपोषित छत्तीसगढ़ में महंत राम सुंदर दास जी जहाँ एक टुकना धान दी उन्हें 1.25 लाख रुपया तक दान में दे है। जब तक आज दान मिला थे बोला सुपोषित छत्तीसगढ़ में हमारे लगाना है क्या हमारे लड़का मन बहुत अगर कुपोषण के शिकार है समाज जुड़ा है दान तो एक माध्यम है लेकिन जिन कुपोषण है तेकर खिलाफ लड़ाई हम जगह शुरुआत करे हैं तो आज सबके भागीदारी हो समाज के भागीदारी हो समाज के ध्यान वो तरफ जाए एक भी आज के दिन चुने गए है। तो आप सबसे निवेदन कि जिन लड़का कुपोषित है या कांकरों घर के हो विशेष ध्यान हमारे देना है काबर की लड़का हमारे उनके मजबूत हो हमारे भविष्य तक मजबूत हुई छत्तीसगढ़ मजबूत हुई समृद्ध छत्तीसगढ़ मजबूत छत्तीसगढ़ के जो कल्पना हमारे सियान मन पुरखा मन करे है तभी तो हम साकार कर सकते हैं। हमारे बेटी माई मन बहुत एनीमिया से पीड़ित है उग्रो मन के ध्यान हमारे लगेना है एक बार अभियान छत्तीसगढ़ सरकार चला थे तो समाज के द्वारा भी ये योजना में भागीदार बने तो बहुत जल्दी कुपोषण के खिलाफ हम लड़ाई में सफलता हमारे मिली। ई निवेदन के साथ पुनः महंत राम सुंदर दास जी ने पूरा यह मठ के जब का साधु संत है कर्मचारी थे मतलब धन्यवाद देते हुए बहुत अच्छा वातावरण बने कावर के बढ़िया रात भी बांधे से टुकना भी चरिया भी सुपर और राम कोठी भी निर्माण राम कोठी में यहाँ धान हमन दें दान दें जैमें अनिला भेजे जी और छाया वर्मा जी और कहाँ गए सब राम कोठी में आज धान डाले है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्राचीन परंपरा है राम कोठी की तो आज राम कोठी में भी धान हम दे 24 जी अभी बढ़िया
कांवर धरे ये हमारी परंपरा है। हंसते खेलते हुए ये सामाजिक की जिम्मेदारी है, देखो निर्वहन करते हुए समाज के हर वर्ग के ध्यान रखते हुए ये सब कार्यक्रम है। हमारी प्राचीन परंपरा फिर से हम शुरुआत करें नया सिरा से, उगर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और ये खेखेरा केवल मैदानी स्तर नहीं, हमारे बस्तर में भी बहुत सुंदर है, जो उमन गीत गाते और खेखेरा मांगे जाते हम तो छेरी खेरा छेर पर अपनी छेर खेरा और माई कोटी धान ला हेर हेरा अच्छे वाला जानता। लेकिन हमारे आदिवासी भाई मन बहुत सुंदर गीत बना के खेखेरा मांगे जाते, मैं समझता हूँ ममता भाभी बोले सुनाई तो हत्या कहते हुए अपन बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, खेल खेला। अब हमारे बीच राजश्री महन जी राम सुंदर दास जी कांवर भेंट करे थे, धान भरे हैं कांवर में और 1.25 लाख के चेक भी भेंट करे थे। जोरदार ताली से आप स्वागत करो, खेरखेरा दान हमारे महन जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवा थे। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है दर्शक कलमन के साथ ये पारा के घर घर में खेरखेरा मांगे ले जाही, खेरखेरा जोहारे ले जाही। आप मन होकर संग खेरखेरा मांगे में शामिल हो और किस संगीत के आनंद में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें रायपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर छेरछेरा आज जो है धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और तस्वीरें आपको दिखाई, सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित भी किया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के इस त्यौहार में मान्यताओं के अनुसार इस दिन धान मांगने की परंपरा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धान मांगा जा रहा है और एक दूसरे से अदला बदली भी की जा रही है। प्रदेश का लोक पर्व छेरछेरा आज जो है मनाया जा रहा है पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार।
इस दिन धान मांगने की परंपरा है और इस दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब जो हैं घर घर जाकर धान मांगते हैं और इसी तरह ये सुबह से ही जो है ये परंपरा शुरू हो चुकी है। खासतौर पर कृषक परिवार इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। उन्होंने संबोधित भी किया, तस्वीरें साफ आपको दिखाई यहां से। बता दें प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना जो है यहाँ पर की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कामना की, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित रहे और आपको बता दें कलाकार जो है यहाँ पर पहुंचे हैं कई सारे, उनसे भी बातचीत की। इस मौके पर प्रदेश मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि भी जो है उपस्थित हैं। छेरछेरा पुन्नी जोहार कार्यक्रम का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, वेशभूषा और तीज त्योहारों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए संस्कृति विभाग और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आपको बता दें ये त्यौहार जो मनाया जा रहा है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस दिन रुपए पैसे का दान नहीं किया जाता था। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, इसके चलते यहाँ चावल और धान दान में देने की परंपरा कई सालों से चली आई है जो अभी तक चलती आ रही है और आज भी चल रही है। और इस लोक पर्व छेरछेरा की धूम जो है छत्तीसगढ़ में दिख रही है, बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं।